हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एससी वर्ग के लिए मोदी सरकार लाई नई योजना, 10वीं से ड्रॉप आउट हुए बच्चों को पुनः जोड़कर देगी पैसा। पोस्ट मैट्रिक एससी स्कॉलरशिप योजना, इस योजना में 60% राशि केंद्र व 40% राशि संबंधित राज्य सरकार के देने का प्रावधान। उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पोस्ट मैट्रिक एससी स्कॉलरशिप नामक एक नई योजना लाई है। इसके तहत 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले अर्थात ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। बुधवार को जालौर भाजपा कार्यालय में विधायक जोगेश्वर गर्ग ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी प्रदान की। इस दौरान प्रेस वार्ता में भाजपा जिला महामंत्री पुखराज राजपुरोहित, जिला मीडिया प्रभारी व नगर अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश सोलंकी, एससी मोर्चा जिला प्रवक्ता भागीरथ गर्ग, आईटी विभाग जिला संयोजक अमन देवेंद्र मेहता व हेमेंद्र सिंह बगेड़िया उपस्थित थे। गर्ग ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को 10वीं कक्षा के बाद की पढ़ाई के लिए सालाना 6,000 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। 60% केंद्र व 40% राज्य सरकार देगी। छात्रवृत्ति एससी वर्ग के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए इस योजना में 60% राशि केंद्र सरकार व 40% राशि राज्य सरकार की ओर से वहन करने का प्रावधान रखा गया है। जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने बताया कि केंद्र में 2014 से पूर्व यूपी सरकार द्वारा लगभग 1,100 करोड़ की सालाना छात्रवृत्ति दी जाती थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक 3,520 करोड़ तथा आगामी स्तर से 6,000 करोड़ सालाना के रूप में देने का निर्धारण किया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में लगभग 1.36 करोड़ एससी के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। इस योजना के माध्यम से अनुमत किए गए विभिन्न पाठ्यक्रम और कौशल भी छात्रों को उसकी पारिवारिक स्थिति आय में सुधार करने में मदद करेंगे। विधायक जोगेश्वर गर्ग ने बताया कि भाजपा दलित समुदाय के छात्रों को 10वीं से आगे की पढ़ाई जारी रखने तथा प्रदेश में सबसे गरीब घरों से छात्रों का नामांकन करने का अभियान चलेगी। उक्त छात्रवृत्ति योजना में ट्यूशन शुल्क, मासिक रखरखाव भत्ता, शोध के टाइपराइटिंग भत्ता इत्यादि शामिल है। स्कूल छोड़कर गए बच्चों को जोड़ने के लिए सर्वे किया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।